आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिलनाडु की किसी समियल अरई में खाना बन रहा हो, भाषा भले अलग हो, भोजन भले अलग हो, लेकिन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर हर जगह है। हमारी जो भी नीतियां हैं, सबकी नीयत एक ही है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। साथियों, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी उतनी ही एकता भी मजबूत होगी। इसलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। लक्ष्य ये कि हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। आज शत प्रतिशत नागरिकों तक पहुंचने का यह मिशन केवल एक जैसी सुविधाओं का ही मिशन नहीं है, ये मिशन एकजुट लक्ष्य, एकजुट विकास और एकजुट प्रयास का भी मिशन है। आज जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए शत प्रतिशत कवरेज देश और संविधान में सामान्य मानवी के विश्वास का माध्यम बन रहा है। ये सामान्य मानवी के आत्मविश्वास का माध्यम बन रहा है। यही सरदार पटेल के भारत का विजन है, जिसमें हर भारतवासी के लिए समान अवसर होंगे, समानता की भावना होगी। आज देश उस विजन को ले साकार होते देख रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हर उस समाज को प्राथमिकता दी है जिसे दशकों तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। इसलिए देश ने आदिवासी के गौरव को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की।